सो ये वायर ब्रश है, मैं आपको टेस्ट करवा देता हूँ। अरे बाप रे, ठीक है। तो ये तीखा वायर। हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार हमसे ना हमेशा क्वेरीज करते रहते हैं लोग कि पीपीएफ अच्छा है, सेरेमिक अच्छा है, कौन सी कोटिंग करानी चाहिए, कौन सी कोटिंग नहीं करानी चाहिए। सेरेमिक में तो देखिए एक कोटिंग होती है नॉर्मल, पीपीएफ एक फिल्म होती है। मेन फर्क है ये, सेरेमिक में शाइन रहती है काफ़ी दिनों के लिए। मेरी कार्स में सब पे पीपीएफ हुआ हुआ है, सेरेमिक की मुझे इतनी नॉलेज नहीं है तो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकती। जब किसी गाड़ी में सेरेमिक मैं कराऊंगी, उसको ट्राई कर लूँगी तब तो आपको बता पाऊँगी। सेरेमिक का मेरा इसलिए एक्सपीरियंस कम है तो आपको नहीं उसके ऊपर कमेंट करेंगे, जो चीज़ पता है बात उसी पर करने वाले हैं। पीपीएफ की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए मैंने अपनी अगर थार की बात करूं तो उसमें मैंने नॉर्मल पीपीएफ कराया, जो मैं दो बार करा चुकी हूं। जो पहले मैंने कराया था उसके अंदर जगह जगह से उसके अंदर डस्ट आ रहा था तो उसको मैंने हटवा के और अपना नया पीपीएफ कराया। अब वो है मेरा सैटिन पीपीएफ, वो आपको मैंने वीडियो में बताया था, दिखाया था। सैटिन में थोड़ा सा शाइन आता है, थोड़ा सा मैट फिनिश रहता है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, काफ़ी अच्छी क्लासी कार लगती है आपकी। और जो मैंने अपनी X7 पे करवाया है वो मैंने कराया है लुमार का पीपीएफ, जो बहुत वर्ल्ड फेमस पीपीएफ है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है और यस नो डाउट बहुत ज़्यादा महंगा भी है। तो चलिए आज हम आपको वो रियल स्क्रैच टेस्ट दिखाएंगे कि यार जब स्क्रैचेस लगते हैं बिल्कुल लोहे के ब्रश से रगड़ने वाले हैं गाड़ी को, उसके बाद देखेंगे कि वो हील होते हैं या नहीं होते हैं। मेरी कार पे लुमार है, लुमार के ऊपर भी टेस्ट करते हैं और एक और कार के ऊपर आपको दिखाते हैं। अभी वो कार क्लीन हो रही है, पहले देखते हैं उसका क्लीनिंग प्रोसेस, जो बड़ा सेटिस्फाइंग लगता है मुझे तो, देख आप भी इंजॉय करेंगे उसे, और उसके बाद करने वाले हैं उसका स्क्रैच टेस्ट। तो आइए मेरे साथ और चलिए अंदर, यहाँ पर काम चल रहा है। देखो ऐसे गेट वेट हटा के इस तरीके से काम होता है गाड़ियों पर। आइए हमारे पास स्कोडा ऑक्टेविया है, इस पर 5 ईयर की इंस्टेंट सेल्फ हीलिंग पीपीएफ की गई है। नॉर्मली मार्केट में हम देखते हैं कि सेल्फ हीलिंग पीपीएफ आती हैं, उनको बेसिकली सनलाइट की या हीट गन की ज़रूरत होती है। ये इसकी खास बात यह है कि वी कैन यूज़ इट एनीवेयर, रफ एंड टफ स्वर्ल्स वगैरह स्क्रैचेस माइनर जो पड़ते हैं वो अपने आप हील हो जाते हैं। सो ये वायर ब्रश है, मैं आपको टेस्ट करवा देता हूँ। अरे बाप रे, ठीक है। तो ये तीखा वायर ब्रश है और ये बिल्कुल 30 लाख की ये गाड़ी है, मुझे बहुत डर लग रहा है, जिसके ऊपर पीपीएफ हुई हुई है, ठीक है। सो हम इसको लेके सीधा चला देंगे, ठीक है जी। तो इस पे आओ, ओ माय गॉड यार, इस पे तो गॉन, कहाँ है सर आप बताओ, गए ओ माय गॉड, वाइट लाइट है, वाइट, हाँ जी वाइट है, इसमें देखो यार ये तो अमेजिंग है। आप जौन सी मर्जी लाइट में देख लो यार, हम पूरा टेस्ट कर रहे हैं, ऐसे लाइट है मार मार के टेस्ट कर रहे हैं। एक बार और थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ यहाँ पे करते हैं, ओ वाओ ये तो मैजिकल है मैम। फिर तभी तो आपको मैं अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ। और देन व्हाट आई वांट टू डू इज़ आई विल गो थ्रू दिस अगेन, वी विल शो ईच एंड एवरी कोटिंग टू यू, लेदर की कौन सी यूज़ करते हैं, हेडलाइट्स की कौन सी यूज़ करते हैं। ये वाली करानी है सेल्फ हील, जो हमें सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है। हाँ जी मैम, कि हमारी गाड़ी कहीं लगी हल्की फुल्की है वो, ये इससे हार्ड तो यार कोई चीज़ हो नहीं सकती है, बहुत सीरियसली आई थिंक आयरन ब्रश है ये, है ना, इससे स्क्रैचेस मार रहे हैं हम। मैं लुमार के ऊपर तो टेस्ट भी नहीं करना चाहती, मेरे को बहुत डर लग रहा है। मैं अपनी गाड़ी पर टेस्ट नहीं करूँगी, स्कोडा ऑक्टेविया के ऊपर हमने इसको टेस्ट किया एंड यस मैजिकल है। इसका प्राइस कितना है मैम? इट स्टार्ट्स एट अराउंड 80,000 फॉर अ स्मॉल कार।
Okay. And for a sedan, it goes up to 90,000. For an SUV, it is around 1 lakh. And for a luxury or a large size SUV, it is around 1.2. मतलब मैं कराऊंगी तो 1.2 हो गया. ओके. आपके लिए थोड़ा मोटा डिस्काउंट कर देंगे. डिस्काउंट कर देंगे. थोड़ा मोटा बोल दिया. मोटा नहीं होगा, थोड़ा ही होगा. Because ma'am, actually the material itself is really expensive. Okay. As you can see, the self-healing properties. If I do the same on your car, it will heal. But we will need a heat gun. फिर धूप में खड़ी करनी पड़ेगी. तब जाके वो हील होगा. एक बारी दर्शकों के लिए आपकी गाड़ी पे देख लेते हैं. अगर कहते हो तो नहीं, मैं I'm just joking. We should not do it. नहीं यार, मैं मेरे दिल पे चलेगा ये दरवाजा. तो मैम, ये अब जो जैसे बच्चे आते हैं गलियों में, कुछ मार दिया, ऐसी चीजें मार दी, कुछ तीखा लग गया, कुछ भी मार देते हैं, पीकॉक है, डॉग डॉग चल जाता है, ऑल गॉन. यार हमें नहीं पता कैमरे में हम कितना दिखा पा रहे, शायद इतना क्लैरिटी से दिखा नहीं पा रहे, लेकिन यस, फेस टू फेस बिल्कुल, मतलब इतना, इतने ज्यादा स्क्रैचेस मारने के बाद गाड़ी में कहीं स्क्रैच नहीं है भाई, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है. डॉग चढ़ गए, पीकॉक, जहाँ पर आप लोग अगर वैसी जगह पे आते हैं तो पीकॉक वगैरह, डॉग का तो बहुत मुझे कॉमन लगता है कि चढ़वट जाते हैं, सारे निशान पड़ जाते हैं पैरों के, तो वो सब चीजों से आपको बताएगा कि कैसे लगती है. चीज बोलने जाऊंगा, हमारे क्या है, अभी मार्केट में सिरेमिक कोटिंग 2 साल से, अभी हर एक के मुंह पे सिरेमिक कोटिंग PPF ये सब है. और हमारे चंडीगढ़ में क्या हो रहा है, फेज टू में कोटिंग बन रही है इंडियन मेड इन, हमारे पास भी बेचने वाले आते हैं, यहाँ पे लोग 4-4, 5-5 घंटे में कोटिंग करके गाड़ी डिलीवर कर रहे हैं, जो हमें 24 आवर चाहिए. मतलब एक बार वन टाइम पैसा कमाना है रबिंग की, बस जो भी है उनकी कोटिंग की लेयर चढ़ाई, जब 3-4 महीने बाद कंप्लेन आनी शुरू होगी, सोल मार्क आगे जे आगे, कोई बात नहीं, मेंटेनेंस आ गई, आप दोबारा ले आओ गाड़ी, दोबारा वही मार के, कंपाउंड 1000 रुपये बहुत कुछ मिल जाता है, कंपाउंड मारा वही लेयर, कस्टमर खुश, बस ऐसे चलता रहता है जितनी बैटरी. अच्छा काम कर रहे हो यार, मुझे बहुत मैजिकल लगा ये सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी वाला PPF. इसमें अलग अलग भी कुछ आता है? हाँ जी, सेल्फ हीलिंग मतलब मैट में आता है, ऐसे ऐसे वैरायटी आती है, मैट फिनिश आता है, ग्लॉस फिनिश आता है.